लोकतंत्र और जनतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी रखे। पहले प्रशांत किशोर प्राइवेट लिमिटेड थे, अब जनता लिमिटेड में जाना चाह रहे हैं तो जनता इसका निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। भारतीय संस्कृति पर आधारित भाजपा एक श्रेष्ठ भारत की सोच रखती है। उक्त बातें बिहार के गन्ना मंत्री श्री विधि मंत्री प्रमोद कुमार सिवहर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में कही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवालों पर उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हित के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गन्ना का पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाता में भेजा जा रहा है। रीगा चीनी मिल जिन किसानों का पैसा बाकी है वह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जल्द ही उसे भी सुलझ जाने की उम्मीद है। वहीं मठ मंदिरों के जमीन जो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं उसे जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कर देने का काम जल्द ही करेगी। मठ मंदिरों के जमीन पर जो लोग अपना भवन मकान बना लिए हैं उसे भी खाली करना पड़ेगा। इससे पूर्व अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक परिषदन में की, जिसमें गन्ना किसानों मठ मंदिरों के जमीन एवं जिले में बाढ़ एवं वर्षा के पानी निकासी को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा किया। साथ ही निर्देशित किया कि सभी जल जमाव वाले भूखंडों का अगल बगल में जो अतिक्रमण कर लिया गया है उसे खाली कराकर उसके पानी निकासी करने की भी व्यवस्था की जाए। इस दौरान डीएम सज्जन राजशेखर, डीडीसी विनोद दुहान, एडीएम शंभुसरन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभु कुमार, एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी, एसडीएम विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के अन्य सदस्य इस दौरान मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। तो वह जो बीट आएगा जिसका ऑप्शन होगा वह लेगा और उसके हिसाब से ये फैक्ट्री चलेगी। अभी तत्काल सरकार द्वारा जो गन्ना किसान है तो वह गर्मा धान के खेती करेंगे, तो जैसे गर्मा धान के खेती करने से उनका अक्टूबर से पहले धान कट जाएगा, तो अक्टूबर से पहले धान कटेगा तो उनमें उत्कृष्ट बीज गन्ना का लगेगा, तो कृषि विभाग द्वारा धान में सब्सिडी दिया जाएगा और गन्ना विभाग के जो अच्छे बीज हैं उसके लिए 210 रुपये सामान्य वर्ग के लोग के, 240 रुपया अनुसूचित जाति वर्ग के लोग के हम लोग सब्सिडी देंगे जो उसके खाता में देंगे। और जो अंतर खेती करेगा जैसे गन्ना के साथ तिलहन किया, दलहन किया, आलू किया, धनिया किया, मसूर किया, तो एक एकड़ में 1000 रुपया देंगे उस किसान को अंतर खेती के प्रमोशन के लिए। ये सब खाता के माध्यम से देंगे, जीरो टैगिंग करके देंगे। तो हमारे कृषि पदाधिकारी, इसके नोडल DDC हमारे अधिकारी थे, उनके समक्ष ये वार्ता हुई और 10 दिन के अंदर हम लोग इसका कार्यशाला भी करने वाले हैं। कितने किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं उसका परफॉर्मा बनकर इस काम को हम लोग करने वाले हैं। पहले एक विषय तो हो जाए, उसके बाद दूसरा विषय भी, राजनीति नहीं भी और बात है, अभी दूसरा बात है उड़ा जी। दूसरा बात ये है कि मठ मंदिर के यहाँ लगभग 25 ठो रजिस्टर्ड संस्थान है जिसमें 268 एकड़ जमीन है, 268 एकड़ जमीन है जिसके लिए तनिका कागज वाले रे कागज खाता खेसरा रकबा चौबंदी भर कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन और अंचल अधिकारी और ADA मेला DC सबको बधाई। ये मठ मंदिर जो इष्ट देव की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को संरक्षित संवर्धित करने का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके हिसाब से ही काम हुआ है। और एक महीना का जिला प्रशासन को हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस प्लॉट का पैमाइश करें, पिलर हटाए, तो एक महीना का ही लोगों ने समय भी लिया है। और जल जमाव से जो जैसे गन्ना किसान की खेती अवरुद्ध हो रही है, जल जमाव से फंसा हुआ है जमीन, तो जो भी जल जमाव में फंसा हुआ है तो उसको भी हमारे जो DDC हैं वह इसके नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे। और जो गोगल पर जैसे अहर है, आज जहाँ जाम पड़ गया वहाँ रेड लाइन है, तो उस रेड को ग्रीन में करना, जो भी अतिक्रमण जल जमाव से रुकावट है उसको
इस महीना भर में क्लियर करके जल जमाव को निकासी कराना ये प्रथम प्राथमिकता का है। इसके लिए जो संसाधन इनके पास है मनरेगा का,